तो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक और एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट से. क्वेश्चन है पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू आर सेवन स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल. ईच ऑफ देम स्टडीज इन अ डिफरेंट स्टैंडर्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड 4 टू स्टैंडर्ड 10, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. ईच ऑफ देम हैज अ फेवरेट सब्जेक्ट फ्रॉम इंग्लिश साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स हिंदी एंड संस्कृत नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. तो इस बार हमने देखा कि सेवन स्टूडेंट्स है पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू, सेवन ही स्टूडेंट्स है. ये सभी सेवन स्टूडेंट्स पढ़ते हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, राइट, स्टैंडर्ड 4 से स्टैंडर्ड 10. सो स्टैंडर्ड 4 से स्टैंडर्ड 10 हो जाएंगे सेवन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. और ऑर्डर क्या है ये हमें नहीं पता है, राइट, किस ऑर्डर में वो पढ़ते हैं ये हमें नहीं दिया गया है. और साथ साथ ये भी है कि ईच ऑफ देम हैज अ फेवरेट सब्जेक्ट, यानी सभी सेवन स्टूडेंट्स का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है. और सब्जेक्ट्स क्या है यहां पर, इंग्लिश साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी मैथमेटिक्स हिंदी एंड संस्कृत. सो टोटल सेवन सब्जेक्ट्स है, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. तो हमारे पास है सेवन डिफरेंट स्टूडेंट्स, सेवन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स और सेवन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. करना क्या है, असाइनमेंट, यानी कौन सा स्टूडेंट किस स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उसका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है. तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना टेबल बना ले, एक स्ट्रक्चर जो हम फॉलो करते हैं. सो सबसे पहले लेंगे स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड 4 टू स्टैंडर्ड 9, फिर स्टूडेंट, राइट, एंड होगा सब्जेक्ट, राइट, कौन सा सब्जेक्ट इनका फेवरेट है. और कितने स्टूडेंट्स हैं, सेवन स्टूडेंट्स. सो इनके नेम्स यहां पर लिस्ट कर लेते हैं, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू. सो ये है सेवन स्टूडेंट्स, हम इन सभी सेवन स्टूडेंट्स के सब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड्स फिक्स करने हैं, राइट, असाइन करने हैं. सो स्टार्ट करते हैं दिए गए स्टेटमेंट से. फर्स्ट स्टेटमेंट है क्यू स्टडीज इन सेवन स्टैंडर्ड एंड डज नॉट लाइक आइदर मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी. सो क्यू जो है कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ता है, सेवन स्टैंडर्ड में, राइट, स्टडीज इन सेवन स्टैंडर्ड एंड डज नॉट लाइक आइदर मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी, डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी. क्या करेंगे, यहां पर मार्क करना है कि क्यू मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी नहीं पसंद करता है, राइट, क्यू डज नॉट लाइक मैथमेटिक्स और ज्योग्राफी. यानी हमें यह ध्यान रखना है कि जब भी हम यहां पर कुछ भी फिल करें मैथमेटिक्स या ज्योग्राफी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो यहां पर नहीं आ सकता है, राइट. नेक्स्ट स्टेटमेंट, आर लाइक्स इंग्लिश, आर जो है इंग्लिश पसंद करता है. सो इसका सब्जेक्ट यहां में दिया गया है आर लाइक्स इंग्लिश, आर लाइक्स इंग्लिश एंड डज नॉट स्टडी इन आइदर 5 और इन 9. यानी आर जो है फिफ्थ स्टैंडर्ड में या नाइन्थ स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ता है. सो यहां पर भी ऐसे ही करेंगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड और नाइन्थ स्टैंडर्ड, ये दोनों में ही आर बिलोंग नहीं करेगा, राइट, यहां पर नहीं आ सकता है, राइट. सो ध्यान रखना है कि जब भी यहां पर स्टैंडर्ड फिल करें वो फिफ्थ या नाइन्थ नहीं होना चाहिए, राइट. सो इस प्रकार से जब कभी हमें ऐसे स्टेटमेंट दिए गए हो जहां पर ये कह रहा है कि क्या बिलोंग नहीं करता है, उसे हम बाहर की तरफ लिखेंगे और क्रॉस मार्क कर देंगे, यानी ये दोनों अंदर नहीं आ सकते, ओके. सो ये हो गया आर के स्टेटमेंट, राइट, आर से रिलेटेड स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट है टी स्टडीज इन 8th स्टैंडर्ड, टी जो है 8th स्टैंडर्ड में स्टडी करता है. सो इसका स्टैंडर्ड क्लियरली दिया गया है, टी स्टडीज इन 8th स्टैंडर्ड एंड लाइक्स हिंदी, सब्जेक्ट भी दिया गया है हिंदी. सो टी स्टडीज इन 8th स्टैंडर्ड एंड लाइक्स हिंदी, ये हो गया थर्ड स्टेटमेंट. नेक्स्ट स्टेटमेंट में द वन हु लाइक्स साइंस स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड. अब यहां पर दिया गया है कि जो साइंस पसंद करता है वो 10th स्टैंडर्ड में है. अब अगर आप देखें ना ही हमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड फिल किया है कहीं पर और ना ही हमें साइंस सब्जेक्ट किसका फेवरेट है ये पता चला है. अगर दोनों में से कोई भी एक होता तो हम दूसरा साइन कर पाते क्योंकि साइंस और 10th स्टैंडर्ड दोनों साथ साथ जाएंगे, राइट. जो साइंस पसंद करता है वो 10th स्टैंडर्ड में है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो 10th स्टैंडर्ड में है वो साइंस पसंद करता है. अब यहां पर हमारे पास दोनों ही नहीं है तो सिर्फ ध्यान रखना है ये पॉइंट कि साइंस जाएगा 10th स्टैंडर्ड के साथ, राइट, साइंस जाएगा 10th स्टैंडर्ड के साथ, राइट. नेक्स्ट, और इसे अभी हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन पॉसिबल है. पी ले सकता है साइंस और 10th स्टैंडर्ड, क्यू नहीं ले सकेगा, आर नहीं ले सकेगा. सी, अगर आप वेरीफाई भी करें तो पी के दोनों साइड्स खाली है यानी साइंस और 10th आ सकता है. क्यू के पास नहीं आएगा क्योंकि क्यू ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड में है, आर ऑलरेडी इंग्लिश पसंद करता है. एस के दोनों साइड्स ओपन है यानी साइंस और 10th स्टैंडर्ड यहां आ सकता है. और टी तो क्लोज हो गया ऑलरेडी, वी और डब्ल्यू के भी दोनों साइड्स ओपन है, साइंस और 10th स्टैंडर्ड यहां पर आ सकता है. तो अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते इसके बारे में. सो होल्ड करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है. द वन हु लाइक साइंस स्टडीज इन 10th स्टैंडर्ड हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है एस स्टडीज इन 4th स्टैंडर्ड, एस जो है 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है, राइट. सो एस स्टडीज इन 4th स्टैंडर्ड. एंड नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यू लाइक संस्कृत, डब्ल्यू जो है वो पसंद करता है संस्कृत, राइट, डब्ल्यू लाइक्स संस्कृत, डब्ल्यू लाइक्स संस्कृत. उसके बाद दिया गया है पी डज नॉट स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, पी डज नॉट स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड, राइट, 10th स्टैंडर्ड में नहीं बिलोंग करेगा पी, राइट, पी डज नॉट स्टडी इन 10th स्टैंडर्ड. एंड लास्ट पॉइंट जो दिया गया है द वन हु लाइक्स ज्योग्राफी स्टडीज इन 5th स्टैंडर्ड, जो ज्योग्राफी पसंद करता है वो 5th स्टैंडर्ड में है. अब फिर से वही प्रॉब्लम है, ना तो ज्योग्राफी है हमारे पास
यानी हमने अभी तक असाइन नहीं किया है और ना ही हमें ये पता है कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में कौन है, तो हम अभी इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे? ज्योग्राफी जाएगा फिफ्थ स्टैंडर्ड के साथ, ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। सो साइंस जाएगा टेंथ स्टैंडर्ड में, ज्योग्राफी जाएगा फिफ्थ स्टैंडर्ड में, और जो भी स्टेटमेंट हमें दिए गए थे वो सभी स्टेटमेंट्स को हमने यूज कर लिया है यहाँ पर, राइट। अब देखेंगे कि कैसे हमें गैप्स को फिल करना है, राइट। जैसे काफी सारे स्टैंडर्ड बाकी, हमने सिर्फ सेवेंथ फोर्थ और एट स्टैंडर्ड अभी तक फिल किया है, सो अभी और चार स्टैंडर्ड फिल करने बाकी है और चार डिसिप्लिन भी बाकी है, 1, 2, 3 और 4 डिसिप्लिन या सब्जेक्ट्स, राइट। अभी तक हमने इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत, ये तीन ही फिल किए हैं, तो देखते हैं क्या करेंगे। आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास अभी अवेलेबल है वो है साइंस जाएगा टेंथ के साथ और ज्योग्राफी जाएगा फिफ्थ के साथ। देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, साइंस टेंथ के साथ जाना चाहिए, राइट। अब अगर हम देखें पी के बारे में हमें पता है कि टेंथ स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ता है, पी टेंथ स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करेगा। अगर पी टेंथ स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करेगा तो ऑब्वियसली बात है कि साइंस और टेंथ का कॉम्बिनेशन यहां नहीं आ सकता है। क्यू के पास भी नहीं आ सकता है क्योंकि क्यू ऑलरेडी सेवेंथ स्टैंडर्ड में है। आर ने ऑलरेडी इंग्लिश पसंद कर लिया है, सो आर साइंस नहीं ले सकता है। एस ऑलरेडी फोर्थ स्टैंडर्ड में है तो एस के पास नहीं जा सकता है टेंथ स्टैंडर्ड। टी ऑलरेडी एट स्टैंडर्ड में है तो टी भी रूल आउट हो गया। अगर वी देखे तो वी के दोनों साइड अभी ओपन है। और लास्ट जो है डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू ऑलरेडी संस्कृत पसंद करता है तो साइंस नहीं आएगा। तो इस सभी इस लिस्ट ऑफ पर्सन में वी ही एक ऐसा पर्सन है जिसके दोनों साइड ओपन है और वो साइंस और टेंथ ले सकता है। बाकी सभी पर्सन ने या तो स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया है अपना या फिर सब्जेक्ट फिक्स कर लिया है, तो साइंस और टेंथ नहीं जाएगा। सो ऑब्वियसली बात है कि साइंस और टेंथ बिलोंग करेगा पर्सन वी को। सो यहां पर हो जाएगा टेंथ स्टैंडर्ड और सब्जेक्ट हो जाएगा साइंस। तो ऐसे हमें वेरीफाई करना है, राइट। ये सुडोकू टाइप का हो गया, जैसे मैं कह रहा था इंट्रोडक्शन में, अगर आप सुडोकू खेलते हैं या आपको इजीली कर सकते हैं सुडोकू, तो ये भी बहुत आसान हो जाएगा। हमें सिर्फ चेक करना है कि क्या ये यहां पर आ सकता है या नहीं, राइट। जैसे हम सुडोकू में करते हैं, राइट, वन यहां पर आएगा या नहीं, टू यहां पर आएगा या नहीं, थ्री यहां पर आएगा या नहीं, एंड सो ऑन। सो साइंस और टेंथ स्टैंडर्ड हमने कर लिया। अब नेक्स्ट बचा है ज्योग्राफी और फिफ्थ, उसे भी ऐसे ही वेरीफाई करेंगे। अगर आप देखें सिर्फ एक ही पर्सन है पी जिसके दोनों साइड ओपन है, बाकी सबने या तो स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया या फिर सब्जेक्ट। अगर आप स्टैंडर्ड से जाए फिफ्थ स्टैंडर्ड, फिफ्थ यहां नहीं आ सकता, ऑलरेडी सेवेंथ है, फिफ्थ यहां पर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि क्लियरली दिया गया कि आर फिफ्थ स्टैंडर्ड में नहीं पड़ेगा और वैसे भी आर का सब्जेक्ट इंग्लिश है तो ज्योग्राफी यहां नहीं आ सकता है। एस टी वी के स्टैंडर्ड ऑलरेडी फिक्स हो चुके हैं और डब्ल्यू का सब्जेक्ट ऑलरेडी फिक्स हो चुका है संस्कृत, तो यहां पर ज्योग्राफी नहीं है। सो एक ही पर्सन है जो दोनों साइड से ओपन है। कौन है? जिसके दोनों साइड अभी ओपन है, राइट, स्टैंडर्ड और क्या है सब्जेक्ट। सो ज्योग्राफी और फिफ्थ हो जाएगा पी के लिए। सो पी बिलोंग करता है फिफ्थ स्टैंडर्ड को और सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। सो इसे भी हमने यूज कर लिया। अब बचे हैं दो स्टैंडर्ड्स और दो सब्जेक्ट्स। आर और डब्ल्यू का स्टैंडर्ड फिक्स करना है एंड क्यू और एस का सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट अगर हम देखें, हमें पता है कि क्यू मैथ्स और ज्योग्राफी पसंद नहीं करता है, राइट। वैसे बाय द वे सब्जेक्ट्स बचे कौन से हैं? ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, साइंस हो गया है। सो इंग्लिश, साइंस, ज्योग्राफी, संस्कृत, हिंदी हो गया। क्या बचा है? हिस्ट्री और मैथमेटिक्स, राइट। दो ही सब्जेक्ट पता है, हिस्ट्री और मैथमेटिक्स। अब अगर आप देखिए, हमें पता है कि क्यू मैथमेटिक्स पसंद नहीं करता है। अगर मैथमेटिक्स नहीं आएगा यहां पर तो एक ही चॉइस है, वो है हिस्ट्री, राइट। दो ही सब्जेक्ट बचे हैं हमारे पास, हिस्ट्री और मैथ्स। हमें पता है कि क्यू को मैथ्स पसंद नहीं है तो क्या आएगा? हिस्ट्री। और जो पर्सन एस बचा है, एक ही सब्जेक्ट है अब हमारे पास, वो क्या है? मैथ्स। सो एस पसंद करेगा मैथ्स। तो हमने सभी सब्जेक्ट फिल कर लिए, राइट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, साइंस, संस्कृत। और देखते हैं आप स्टैंडर्ड्स, राइट, दो ही पर्सन है, आर और डब्ल्यू। कौन से स्टैंडर्ड बाकी है? फोर्थ, फिफ्थ हो गया, सेवेंथ, एट्थ और टेंथ हो गया, यानी सिक्स्थ और नाइन्थ। सिक्स स्टैंडर्ड और नाइन्थ स्टैंडर्ड, ये दो ही बचे हैं। क्लियरली दिया गया है कि आर नाइन्थ स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करता, राइट, नाइन्थ स्टैंडर्ड अंदर नहीं आएगा। सो अगर आर नाइन्थ स्टैंडर्ड को बिलोंग नहीं करता है तो एक ही चॉइस है आर के लिए, वो है सिक्स स्टैंडर्ड। और अगर आर सिक्स स्टैंडर्ड पसंद में है तो डब्ल्यू जाएगा नाइन्थ स्टैंडर्ड में, राइट, क्योंकि सिर्फ नाइन्थ ही बचा है अभी। सो स्टैंडर्ड भी सारे हो गए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ और टेंथ। सो असाइनमेंट हमारा पूरा हो गया। सो बहुत ही सिंपल है ये वाला एग्जाम्पल भी, और जनरली सभी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स इजी होते हैं, राइट, सिर्फ पहले दिए गए डेटा को प्रॉपरली फिल कर ले और फिर जो गैप्स है उसे आप इस प्रकार से फिल कर सकते हैं, राइट। हमें सिर्फ ये देखना है कि क्या कंडीशंस हैं, जो हिडन कंडीशंस हैं जिसके थ्रू हम बची हुई स्टैंडर्ड्स और सब्जेक्ट्स को फिल करेंगे। तो ये हो गया असाइनमेंट का एग्जाम्पल टू। अब देखते हैं कि इसके साथ क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए अब देखते हैं कि एग्जाम्पल टू के साथ क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो असाइनमेंट है हमारे पास यहां पर, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टैंडर्ड डस डब्ल्यू स्टडी। सिंपल क्वेश्चन है, डब्ल्यू स्टडी इज इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, सो इसका आंसर हो जाएगा नाइन्थ। नेक्स्ट, विच सब्जेक्ट डस पी लाइक। पी लाइक्स ज्योग्राफी, सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ज्योग्राफी। विच सब्जेक्ट डस एस लाइक। एस लाइक्स मैथ्स, सो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैथ्स।
नेक्स्ट, इन विच स्टैंडर्ड डज पी स्टडी? पी कौन से स्टैंडर्ड को में स्टडी कर रहा है? फिफ्थ स्टैंडर्ड. सो इस फोर्थ क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फिफ्थ स्टैंडर्ड. फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इज करेक्ट? ये भी बहुत आसान है, हमें वेरीफाई करना है जो हमने असाइनमेंट किया है उससे. सो फर्स्ट ऑप्शन है T8 मैथमेटिक्स, T8 हिंदी. सो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग हो गया. W7 संस्कृत, W9 यानी सेकंड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया. Q7 ज्योग्राफी, Q7 हिस्ट्री, थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग. फोर्थ ऑप्शन है V10th साइंस. ये है करेक्ट आंसर, राइट? वी 10th स्टैंडर्ड में है और फेवरेट सब्जेक्ट है साइंस. सो V10th साइंस फोर्थ ऑप्शन होगा करेक्ट आंसर, राइट? सो फाइव क्वेश्चंस, कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 10 सेकंड्स, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 10 टू 15 सेकंड्स. एंड सभी असाइनमेंट प्रॉब्लम्स में ऐसा ही होता है, राइट? क्वेश्चंस आंसर करना बहुत आसान है, राइट? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ हमें असाइनमेंट कंप्लीट करना है और जिसके लिए लगेंगे 2 से 3 मिनट मैक्सिमम. सो प्रैक्टिस करें असाइनमेंट के एग्जांपल्स पर. हर क्वेश्चन डिफरेंट होता है और कोई एक प्रॉपर मेथड नहीं है या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस नहीं है. हमें क्या करना है, अप्रोच ध्यान रखना है कि पहले 3 कॉलम्स बना ले, बीच में पर्सन का लिस्ट जो है वो मेंशन कर दे और फिर दिए गए डेटा से गैप्स को फिल करते हैं और बाद में जो बाकी बचे हुए पॉइंट्स हैं उसे हम हिडन हिंट्स के थ्रू इजीली कवर कर सकेंगे, राइट? सो प्रैक्टिस करें असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स पर ताकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो ये आपका स्कोर बूस्ट हो, राइट? 5 मार्क्स आपके कहीं नहीं जाने हैं, आप डेफिनेटली स्कोर कर सकेंगे अगर आप प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं कुछ एग्जांपल्स पर. और ये 5 मार्क्स आप गेन कर सकेंगे सिर्फ 2 या 3 मिनट में. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और इजी टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? सो प्रैक्टिस करते रहें कॉम्प्लेक्स असाइनमेंट के क्वेश्चंस पर. इस एग्जांपल के साथ ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.